ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो। 3 point something. ठीक है, log of 3 point something to the base 4 ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो। 0 point something. ठीक है, और फाइनली अब यहाँ पे log of 0 point something to the base 3, तो दिस इज क्लियरली लेस देन 1, दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 1, आंसर विल बी नेगेटिव। हाँ। और फिर स्लोक का प्रॉब्लम हो नेगेटिव। गया यहाँ पे, क्योंकि स्लोक का नंबर नेगेटिव हो गया ना, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली। सो फाइनली आंसर है नॉट डिफाइंड। सपोज करो क्वेश्चन जस्ट इतना होता, देन आंसर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अभी है ये, तो ये आंसर हो गया फाइनली नॉट डिफाइंड। एनी नॉट डाउट? डिफाइंड। नो सर। ठीक है, सिंपल है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, लाइक दिस एग्जांपल, लॉग लेट्स से बेस है 4 एंड दिस इज 2/3 क्यूब रूट ऑफ 1/3, दिस इज द क्वेश्चन। ये डिसाइड करना है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। करो स्टार्ट करो। log of 2/3 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 3 टू द बेस 4। अगेन ऑब्वियसली बात है 4 ग्रेटर देन 1, तो आपको जस्ट ये डिसाइड करना है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। केवल ये डिसाइड करो कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। लेस देन वन। कैसे बोल रहे हो बताओ। टू अपॉन थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, ये डिसाइड करना है दिस इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, ओके। तुम बता रहे हो लेस देन 1, तो कैसे कमेंट कर रहे हो बोलो, ग्रेटर देन 1 कैसे कमेंट किया आपने। ग्रेटर देन 1 है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और सपोज करो ये लेस देन 1 है देन आंसर विल बी नेगेटिव। तो डिसाइड ये करना है कि दिस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। हर्षदा एक्सप्लेन करो, आप कैसे बोल रहे हो दिस इज ग्रेटर देन 1। एनीवन? देखकर मैं तुम लोगों की चीज क्लियर कर देता हूं। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, 2/3 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, तो बेसिकली 2/3 तो एक लेस देन 1 नंबर है, यस और नो? यस एंड व्हाट अबाउट क्यूब रूट ऑफ 3, दिस वो इज भी ग्रेटर लेस देन देन वन। 1 और लेस देन 1? यार नहीं हो सकता लेस देन 1, तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो लेस देन 1 कोई नंबर लेता हूं मैं, मान लेते हैं 1/2, तो 1/2 का आप एक बार तो क्यूब करो, वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज 100% डिक्रीज होगा। 1/2 का क्यूब करते हो ना, तो डेफिनेटली 1/2, 1/2, 1/2। एक चीज समझने का ट्राई करो, डिनोमिनेटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया 4, ये हो गया 8, तो ये वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है अभी, तो डिक्रीज। 3 का क्यूब रूट कभी लेस देन 1 नंबर तो आ ही नहीं सकता यार, क्योंकि 3 का क्यूब रूट सपोज करो एक लेस देन 1 नंबर आ गया, तो डेफिनेटली 3 इज इक्वल टू लेस देन 1 होल क्यूब होना चाहिए ना, यस और नो? और लेस देन 1 के होल क्यूब करने पे वैल्यू और डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज, तो 3 तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब 3 क्यूब रूट भी डेफिनेटली कैसा नंबर है, ग्रेटर ग्रेटर देन 1। देन हाँ, सो दिस नंबर इज लेस देन 1 एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, अंडरस्टूड? अभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप रिजल्ट बता सकते हो क्या कि फाइनली ग्रेटर देन 1 आंसर आने वाला है या लेस देन 1? यार एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप 2 ग्रेटर देन 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 100% आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और 2 लेस देन 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, डेफिनेटली आंसर विल बी, लेस देन वन। लेकिन अभी एक नंबर है लेस देन 1 और एक नंबर है ग्रेटर देन 1, तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो कुछ हम लोग स्ट्रिक्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे ना यार। कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/2 इंटू 6 या 1/2 इंटू 3, दिस इज ग्रेटर देन 1, यस और नो?
and 1 upon 2 into 1.6. This is greater than 1 or less than 1? Less than 1. अब इसमें comment कैसे करोगे वो थोड़ा सीख लो. सिंपल ही है. देखो क्वेश्चन है 2 upon 3 into cube root of 2. This can be written as this. 827 into 2. Yes or no? Because 8 upon 27 का cube root 2 upon 3 होता है ना. और ये हो गया 16 upon 27 का cube root. 16 upon 27 एक less than 1 number है. क्यूब रूट करोगे तो भी लेस देन वन ही आएगा. इसका मतलब फाइनली ये नंबर एक्चुअली में क्या है? लेस देन वन. तो यहाँ पे नंबर है लेस देन वन, बेस है ग्रेटर देन वन, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव. सपोज करो क्वेश्चन ये होता लॉग बेस फोर टू अपॉन थ्री एंड फाइव टू द पावर वन अपॉन थ्री. This answer will be positive or negative? Positive. कैसे? ये आप सिंप्लीफाई करोगे. This is 2 upon 3 and cube root of 5. Now this can be written as into 5, 1 upon 3, 2 upon 3 cube root. ये किसका हुआ होगा 2 upon 3 का? तो basically यहाँ पे 8 upon 27 ही आना चाहिए ना? Yes sir. हाँ, एंड नाउ दिस इज 40 अपॉन 27 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1. क्यूब रूट करोगे तो ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है. तो नंबर भी ग्रेटर देन 1 है एंड बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. फाइनल आंसर विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव. पॉजिटिव. एनी डाउट? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0. ठीक है, तो यार ये आप नोट कर लो. अब इसमें कंसेप्ट क्या है, क्यों हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं चीजों को, एक बार जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग लॉग टेबल पे मूव करते हैं. ठीक है, ये नोट करो एक बार. सर ये ऊपर हाँ के क्वेश्चन में, ऊपर के क्वेश्चन में 2 अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब रूट क्यों लिखा हुआ है, 2 क्यों लिखा हुआ है वहां पे? ये टू क्या? हाँ सर उधर थ्री है. ये हाँ. टू तो ऑलरेडी ठीक है, थ्री कर लो इसको, एक ही बात है. फिर भी लेस देन, फिर भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा. Any doubt? No, sir. ठीक है, ये हो गया नोट. तो नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन वन, आंसर पॉजिटिव. बोथ आर लेस देन वन, अगेन आंसर पॉजिटिव. एक चीज ध्यान रखना, बोथ आर लेस देन वन यानी कि दोनों वन से कम. इसमें ये डिफॉल्ट है कि वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए वरना लॉग डिफाइन नहीं होगा. एंड नंबर और बेस इन दोनों में कोई भी है ग्रेटर देन वन, अदर इज लेस देन वन, देन आंसर विल बी नेगेटिव. तो ये सिंपल कंसेप्ट है. नोटेड?
ठीक है। चलो कह रहे ना, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लेते हैं। काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका और पूरा कॉमन सेंस वाला एक्सप्लेनेशन है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे log of greater than one to the base greater than one, आंसर इज पॉजिटिव, यस और नो? यस। इसका मतलब यही हो गया ना यार कि एक ग्रेटर देन वन नंबर के ऊपर, लेट्स से ये ए है ये बी है, तो ए टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू बी, ये भी ग्रेटर देन वन, ये भी ग्रेटर देन वन, तो 100% आप इंडेक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि लॉग का मतलब यही होता है यार, है ना, ये नंबर है ये बेस और ये पावर। अब इसको कुछ एग्जाम्पल समझने का ट्राई करो। आप सपोज करो क्वेश्चन है दिस, 2 टू द पावर अ नंबर इक्वल्स टू लेट्स से 5। आप यार यहाँ पे नेगेटिव नंबर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर अप्लाई करोगे तो इंडेक्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नंबर का रेसिप्रोकल होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तुम खुद सोचो कि आप एक ग्रेटर देन 1 नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आंसर विल बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। एक ग्रेटर देन 1 नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग, यार आराम से सोचो, है ना, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का। एक ग्रेटर देन 1 नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग, अगेन रेसिप्रोकल कब होगा, व्हेन इंडेक्स इज नेगेटिव। हाँ, तो फाइनली आंसर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 100% यार, 100% 100%, क्योंकि ग्रेटर देन 1 नंबर जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, ये वैल्यू तो आपको 0 point something मिलेगा। यस सर। हाँ, अब इसको रिवर्स समझो कि ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आपको एक इंडेक्स अप्लाई करना है सच दैट आंसर लेस देन 1 आए, तो डेफिनेटली इंडेक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये वही पॉइंट हो गया ना कि लॉग ऑफ लेस देन 1 to the base greater than 1, यानी greater than 1 number के ऊपर आप एक index apply करो such that finally answer less than 1 number आना चाहिए, तो 100% आपको इस number का reciprocal करना पड़ेगा, तब जाके denominator में आएगा और तब value आपको less than 1 मिलेगा, यानी कि definitely value क्या है बोलो? Negative। Negative। अब ये सोचो, less than 1 number के ऊपर एक इंडेक्स और आपको फाइनली आंसर चाहिए ग्रेटर देन 1, तुम यार एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे 1/2 है और 1/2 से आपको फाइनली आउटपुट में ग्रेटर देन 1 नंबर, लेट्स से 4 आपको ऑब्टेन करना है, तुम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर अप्लाई कर सकते हो क्या एज इंडेक्स? नो, नहीं कर सकते यार, तुम्हें इस 2 को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा एंड न्यूमरेटर में लाने के लिए 100% आप इंडेक्स क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये वही पॉइंट हो गया अभी, दिस इज सेम एज लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1 टू द बेस लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 नंबर के ऊपर एक इंडेक्स अप्लाई करना है टू ऑब्टेन ग्रेटर देन 1, तो 100% वहां पे आप रेसिप्रोकल करोगे और रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है कि इंडेक्स शुड बी नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव। ये वही कॉन्सेप्ट है कि लॉग के अंदर नंबर और बेस, एनी वन ऑफ नंबर एंड बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर इज लेस देन 1, आंसर विल बी नेगेटिव। अब ये बताओ, 2 के ऊपर आप एक इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो टू गेट 5, आंसर इज ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा ये बताओ पहले? 2 point something। 2 point something, तो 2 point something पॉजिटिव ही है ना? यस सर। ठीक है, अब ये नंबर भी ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर भी ग्रेटर देन 1 है, तो इसको तुम लॉग में ऐसा लिख सकते हो, लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1 टू द बेस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, आंसर डेफिनेटली
पॉजिटिव पॉजिटिव सपोज करो बाय मिस्टेक नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करते हो तो यार ये टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर आपको फाइनल आउटपुट लेस देन 1 मिलने वाला है 0 पॉइंट समथिंग मिलने वाला है यस और नो यस सिंपल कांसेप्ट है अब ये बताओ लाइक 1 अपॉन 2 के ऊपर एक पावर फाइनली आंसर चाहिए आपको 1 अपॉन 8 कितना पावर अप्लाई करोगे 3 तो 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव सपोज करो वाई मिस्टेक आप नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 के प्लेस पे क्या आएगा बोलो 8 तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना यार इस चीज को फील करो थोड़ा सा देखो पॉजिटिव लेकिन सपोज करो आप एक नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई करते हो तो होगा क्या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो नंबर न्यूमरेटर में आएगा भी तो लेस देन 1 नंबर का रेसिप्रोकल यानी कि लेस देन 1 नंबर को आप रिवर्स कर रहे हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हाँ तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 1 नंबर से आपको लेस देन 1 नंबर ऑब्टेन करना है तो डेफिनेटली इंडेक्स मस्ट बी पॉजिटिव इसको लॉग के फॉर्म में ये लिखते हैं लॉग ऑफ लेस देन 1 टू द बेस लेस देन 1 आंसर विल बी पॉजिटिव एनी डाउट क्लियर तो यही कंसेप्ट था नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 आंसर पॉजिटिव बोथ आर लेस देन 1 अगेन आंसर पॉजिटिव एनी वन ऑफ नंबर एंड बेस ग्रेटर देन 1 अदर इज लेस देन 1 देन आंसर नेगेटिव यार एक कंसेप्ट और तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लाइक 2 स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आता है ये 1.414 ठीक है कंसेप्ट ये है तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो एक पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 नंबर है काफी सिंपल कंसेप्ट है ये पूरा कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो एक पॉजिटिव नंबर एज अ इंडेक्स 100% आंसर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 इस कंसेप्ट का पर्पस क्या है जैसे 2 स्क्वायर रूट ये आता है ऑलमोस्ट 1.414 तो तुम 2 का कोई भी रूट लोगे ना चाहे पावर 1 अपॉन 1 करोड़ क्यों ना अप्लाई कर दो ये आंसर कभी भी लेस देन 1 नहीं जा सकता 100% आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 ही आंसर आएगा कंफर्म है ये क्योंकि सपोज करो आप आंसर नेगेटिव अप्लाई करते हो या फिर तुम्हें फाइनली आउटपुट में लेस देन 1 चाहिए तो लेस देन 1 का मतलब तो ये हो गया ना कि दिस 2 शुड कम इन डिनोमिनेटर और उसके लिए फिर इंडेक्स क्या होना चाहिए नेगेटिव लेकिन अभी इंडेक्स क्या अप्लाई कर रहे हो आप पॉजिटिव पॉजिटिव तो ध्यान रखना ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स अप्लाई करो पॉजिटिव आंसर हमेशा क्या आने वाला है ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नहीं आता फिक्स है ये और ग्रेटर देन अगेन यार ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न नहीं करना है ना जस्ट समझना है सारा पॉइंट्स ग्रेटर देन 1 नंबर के ऊपर आप एक नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो 100% आंसर लेस देन 1 कोई डाउट नो सर लेस देन 1 नंबर के ऊपर आप एक नेगेटिव इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो आंसर ग्रेटर देन 1 हां क्योंकि वो लेस देन 1 नंबर रेसिप्रोकल होगा उसका तो आंसर ग्रेटर देन 1 ठीक है लेस देन 1 नंबर इंडेक्स पॉजिटिव आंसर मस्ट बी लेस देन 1 ये सिंपल सा कांसेप्ट है इस कांसेप्ट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ फिर से डिस्कस करते हैं एनी डाउट नो सर ये नोट कर लो है ना ये काम आता है कई जगह पे yes. ये आप नोट करो सर yes.
सर बाय द वे हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक यू वेरी मच. तुमने अपने मम्मी पापा को बोला? यस सर. यस सर. बिल्कुल, प्रथम गुरु तो वही होते हैं, तो एटलीस्ट आज के दिन तो उनकी बात माननी चाहिए हम लोगों को. नहीं माननी चाहिए ना. हाँ बिल्कुल यार. तो ग्रेटर देन वन नंबर के ऊपर पॉजिटिव इंडेक्स, आंसर ग्रेटर देन वन. ग्रेटर देन वन नंबर के ऊपर नेगेटिव इंडेक्स, आंसर लेस देन वन. कुणाल थैंक यू. इधर विश्वेश और हर्षदा थैंक यू. आंसर लेस देन वन नेगेटिव इंडेक्स है, ग्रेटर देन वन लेस देन वन पॉजिटिव इंडेक्स, आंसर लेस देन वन. यार होगा क्या ना, लेस देन वन नंबर पे तुम पॉजिटिव इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका नेचर वैसे ही रहता है. नेगेटिव अप्लाई करते हैं तो फिर उसका रेसिप्रोकल होता है और फिर वो आपको ग्रेटर देन वन मिलता है. एनी डाउट? नो सर. सोजल थैंक यू. अभी थैंक यू. यार अभी लॉकडाउन की वजह से सब बंद हुआ है, बाकी लास्ट टर्म पे तो शायद हम लोग एवेंजर्स दिखाने लेके गए थे स्टूडेंट्स को. एंड गेम है इन्फिनिटी वॉर. क्या बोल रहे हो? एंड गेम दिखाने गए थे. हाँ एंड गेम वही था. तो ये आंसर है फाइनली. एनी डाउट? ठीक है, हो गया नोट ये? यस सर. ओके, लास्ट पॉइंट इज लॉक्ड इन. अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो ऐसा मैथ्स में इस तरीके से स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं ना, वर्ड्स में नहीं होती ये चीजें, तो वहां पे लिखते कैसे हम लोग, ये देखो थोड़ा, है ना. ए टू द पावर एक्स is greater than 1 for every value of x belongs to positive if a is greater than 1. ठीक है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? a to the power x will be always greater than 1. ये होता है for every value of, ये टोटल फोर वर्ड्स हैं, for every value of. इन फोर वर्ड्स के प्लेस पे आप ये इन्वर्टेड a यूज करते हो. समझ गए? यस सर. हाँ, इस सिंबल का मीनिंग क्या है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, तो ए टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन वन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जीरो इफ ए इज ग्रेटर देन वन. तो ये स्टेटमेंट यही हो गया बेसिकली. बेस ग्रेटर देन वन, पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर, आंसर ऑलवेज क्या आता है? Greater than one. Understood? Positive. Yes, sir. हाँ, तो इस स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए. ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं. X belongs to R plus. R plus का मतलब क्या है? प्लस का मतलब पॉजिटिव. R plus यानी कि पॉजिटिव. R का मतलब होता है रियल नंबर्स. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब भी यही हो गया ना, ग्रेटर देन जीरो. यस सर. हाँ, तो इस तरीके से भी लिखते हैं. एनी डाउट? नो सर. ठीक, एक ये नोट कर लो. कई सारी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे आएंगी हम लोगों को, है ना. इसको ऐसा सेपरेट से नहीं पढ़ाना होता है, ये तो जस्ट आप लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस करते हो बीच में. ठीक है, any doubt?
नो सर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉग टेबल लॉग टेबल का एप्लीकेशन क्या है कैसे इसको देखते हैं काफी सिंपल है ठीक है अब इसका मैं पहले तुम्हें इधर एप्लीकेशन बता देता हूँ जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है log of 8 to the base 2 कितना आंसर आएगा बोलो 3 ठीक है सपोज करो क्वेश्चन है दिस log of let's say 0.001 to the base 10 कितना आंसर आएगा बोलो 1/100 नहीं यार 1/1000 है ढंग से बताओ -3 हाँ 10 के ऊपर आपको इंडेक्स अप्लाई करना है टू गेट 1/1000 डेफिनेटली कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे -3 -3 अब मेरे को एक बात ये बताओ इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मेरे को कोई लॉग टेबल वगैरह का रिक्वायरमेंट हुआ क्या नो सर नहीं ये तो डायरेक्ट आपका आंसर ही आ गया अब सपोज करो क्वेश्चन है दिस लॉग ऑफ 20 या फिर 25 टू द बेस 10 ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा 1.something 100% अब तुम ये एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो क्या नो सर नहीं बता सकते यार क्योंकि 10 के इंडेक्स में 25 कभी आता है क्या नो डेफिनेटली ये आंसर क्या है 1.8 हां अब ये आंसर आप नहीं बता पाते हो तो इस आंसर को एक्चुअली हम लोग कहां से फाइंड करते हैं लॉग टेबल से सपोज करो क्वेश्चन ये होता है लॉग ऑफ 5 to the base 2 almost kitna answer aayega 2.7 ha aapko exact find karna hai to aap log table se find kar sakte ho any doubt so basically jo answers hum log normal calculation se nahi bata pate hai na to unko fir hum log log table ke help se find karte hain clear start karo abhi log table yes sir theek hai to pehle kuch basic si baat hai dekh lete hain एक चीज तो मैं समझना पड़ेगा यहाँ पे जैसे होता है क्या है ना कि कोई भी नंबर है लेट्स से 5 या फिर 5.3 तो 5.3 को आप लिख सकते हो 5 और क्या लिख सकते हो 0.3 इस 5 को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट क्या बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ठीक है और ये होता है 0.3 इसको हम लोग बोलते हैं क्या फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 4.7 इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका बोलो 4 फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 ठीक है एक पॉइंट और इंटीग्रल पार्ट को आप इंटीजर भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली बात है इंटीजर ही आता है ये इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और लॉग टेबल या लॉगरिथम चैप्टर में इसको हम लोग बोलते हैं करैक्टरिस्टिक ठीक है यस सर इंटीजर पार्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर या करैक्टरिस्टिक सेम ही चीजें हैं फ्रैक्शनल पार्ट इसको हम लोग मेंटिसा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मेंटिसा इसके अलावा और कोई नोमेनक्लेचर नहीं है इसके अलावा कोई नोमेनक्लेचर नहीं है ठीक है ओके लाइक 5 इंटीजर पार्ट कितना है इसका बोलो 5 फ्रैक्शनल पार्ट 0 डन ठीक है 0.9 इंटीजर पार्ट कितना है इसका 0 सुनो राउंड ऑफ करने का ट्राई मत करना यहाँ पे है ना यस सर ठीक है अब ये बताओ -1.2 इंटीजर पार्ट कितना है इसका -1 और फ्रैक्शनल पार्ट point eight तो फिर इंटीजर पार्ट क्या बता रहे हो -1 या -2 या कुछ और -2 हाँ अब एक चीज समझने का ट्राई करो ना यहाँ पे थोड़ा कन्वेंशन ये है देखो एक चीज ये क्लियर कर लो लाइक -1.2
दिस कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो? यस। हाँ, अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, यानी कि 5 + 0.3 5.3 4 + 0.7 4.7 5 + 0 0.0 + 0.9 यानी कि 0.9 2 + दिस यानी कि 2.999 सिमिलरली -1.2 कैन बी रिटन एज -1 -0.2 लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट का ये कंडीशन है कि दिस इज ऑलवेज lies between 0 to 1. Any doubt? यानी ये कभी नेगेटिव नहीं होता यार, कैन नॉट बी नेगेटिव. तो आप -0.2 एज अ फ्रैक्शनल पार्ट यूज नहीं कर सकते. एनी डाउट? नो सर. अब यहां पे करते क्या है वो समझने का ट्राई करो. देखो इसमें क्या करते हैं, -1 और +1 करते हैं, -2 और +2 क्यों नहीं किया वो भी देखेंगे अभी, इतना समझो. तो ये पोर्शन कितना आ गया अभी? 0.8. एंड दिस पोर्शन इज -2. इसका ग्रेटेस्ट पार्ट है -2 या फिर इंटीजर पार्ट, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.8. फिर आप इसको सुनो सर, फिर आप इसको ये नहीं लिख सकते. हाँ, क्योंकि इसका मीनिंग एक्चुअल में ये है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर पार्ट है -2 और फ्रैक्शनल पार्ट है +0.8, तो इसको हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं. इस 2 के ऊपर एक लगाते हैं बार और यहाँ पे इस तरीके से. इसका मीनिंग होता है जस्ट 2 नेगेटिव एंड पॉइंट वाला पोर्शन पॉजिटिव. अंडरस्टूड? और एक्चुअल में ये यही है. इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार, ये समझना आपको कंपलसरी है. नो सर. फिर से एक्सप्लेन करता हूं. जैसे -3.7 इंटीजर पार्ट -3 फ्रैक्शनल पार्ट -0.7, ये रॉन्ग है. यस. हाँ, -3.7 का मतलब है -3 और ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है ये भी नेगेटिव. एनी डाउट? फिर यहां पे करते हो आप -1 और +1. इंटीजर पार्ट कितना हो गया अभी? -4. फ्रैक्शनल पार्ट 0.3. हाँ, फिर आप इसको ये हो गया एक्चुअली इस तरीके से. फिर आप ये नहीं लिखते हो इसे, इसको ऐसे लिखते हैं 4 पे बार और 0.3. अभी क्लियर? यस सर. यस. हाँ ठीक है. एक क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि यार इसमें -2 + 2 क्यों नहीं कर रहे हैं. तो सपोज करो -2 और यहाँ पे करते हो आप +2, ये कितना हो गया? -5. और ये कितना आ गया है? 1.3. Now tell me just simple सी thing. तुमने कभी ऐसा नंबर देखा है क्या? No sir. समझ गए? तो 100% ये नंबर 0. something में ही आएगा. ये 1. something कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1. something नहीं होता है. तो केवल आप -1 और +1 करोगे. Any doubt? No sir. No sir. हाँ, बाकी यार इसका सिंपल ट्रिक ये है. सपोज करो क्वेश्चन है -7.6, तो इंटीजर पार्ट के लिए -7.6 के लेफ्ट में, यानी कि -7.6 यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा बोलो? -8. हाँ, -8. और ये 1 में से 0.6 माइनस कर दो, तो 1 में से 0.6 माइनस करोगे कितना आएगा बोलो? 0.4. हाँ, फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हो. Yes. Any doubt? No sir. ठीक है, ये नोट करो. थोड़ा फास्ट करते हैं ना, थोड़ा फास्ट मोड. यस सर. ओके सर. करो एक बार नोट करो, देखते हैं.
अच्छा बिटवीन टू जीरो टू वन इसको एक्चुअली क्या ब्रैकेट कन्वेंशन यूज करते हैं पे, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी, तो इक्वेशन में आएगा, लेकिन जीरो यूज कर सकते हो आप. बिटवीन जीरो टू वन का मतलब ये कि जीरो से वन में कोई भी नंबर, क्योंकि जीरो से वन में जितने भी नंबर आएंगे ना दे ऑल आर जीरो पॉइंट समथिंग. यस ऑर नो? यस सर. लेकिन जीरो यूज कर सकते हो लाइक फाइव. फाइव का इंटीजर पार्ट है फाइव, और फाइव का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? जीरो. तो वन तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, जीरो कैन बी यूज्ड. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये examples note कर लो. -3.7 integer part है -4, fractional part 0.3. -7.6 इंटीजर पार्ट है -8, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4. ठीक है. 7.6 इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट 0.6. ठीक है. 0.3 इंटीजर पार्ट, जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3. -0.3 इंटीजर पार्ट, आप केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉगरिथम कैलकुलेट करने वाले हो. ठीक है. तो ये नोट करो एक बार जल्दी से, स्टार्ट करते हैं लॉग टेबल. कुछ भी नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. नोटेड? ये नोट हो गया अभी? हाँ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. अब एक चीज समझने का ट्राई करना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी देखते हैं. लॉग टेबल फोर ग्रेटर देन वन या फिर लॉगरिथम फोर ग्रेटर देन वन नंबर्स, ये फर्स्ट पॉइंट. लाइक दिस क्वेश्चन, लॉग ऑफ 7.348 लिख सकते हो टू द बेस 10. अच्छा एक कन्वेंशन और है कि जो लॉग टेबल है वो केवल बेस 10 पे डिजाइंड है. किस बेस पे? 10. सपोज करो आपको ये कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 के इंडेक्स में 7 पॉइंट समथिंग नहीं आता. तो पहले आप बेस चेंज यूज करोगे. अंडरस्टूड? और फिर ये दोनों वैल्यूज लॉग टेबल से कैलकुलेट करके फिर डिवाइड करते हैं. क्लियर हो गया ना? यस सर. लेकिन अभी है क्वेश्चन ये, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही एग्जांपल क्यों लिया, तुम अपने माइंड से भी कोई भी नंबर बता सकते हो. ठीक है, वो देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है, एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा और ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि जितने भी ग्रेटर देन वन नंबर्स होते हैं दे ऑल आर समथिंग पॉइंट समथिंग. यस और नो? यस सर. और ये समथिंग जीरो नहीं हो सकता. जितने भी लेस देन वन नंबर्स हैं दे ऑल आर जीरो पॉइंट समथिंग. इसमें कोई डाउट है? नो. लेस देन वन नंबर जीरो पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन वन नंबर वन पॉइंट समथिंग, टू पॉइंट समथिंग, थ्री पॉइंट समथिंग, फोर पॉइंट समथिंग, हंड्रेड पॉइंट समथिंग, वन करोड़ पॉइंट समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता.
इसका मतलब आप यहाँ पे ये यूज नहीं करोगे ना, ये एग्जांपल अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट? नो नो सर। नेक्स्ट पॉइंट, अब यार कुछ भी नहीं है, देखो सुनो, आप इसका लॉग कैलकुलेट कर रहे हो तो इसके लॉगरिथम के क्या एक्चुअली टू पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है इंटीजर और एक पार्ट होता है फ्रैक्शनल। इंटीजर पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं समझने का ट्राई करना, पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी तुम्हें डिजिट्स दिख रहे हैं उसमें आपको माइनस वन करना होता है नंबर ऑफ डिजिट्स में। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है बोलो? नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एक आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब पॉइंट में, और ध्यान रखना फ्रैक्शनल पार्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पे डेसिमल का यूज नहीं होता, मतलब 7348, ये भी 7348, ये भी 7348 और ये भी 7348। अंडरस्टूड? यस सर। अब वो कैसे देखते हैं, वो हम लोग लॉग टेबल से देखते हैं, देखेंगे। ये 0123 इसका कंसेप्ट भी समझ लो, बहुत ही सिंपल है, तुम खुद बताओ लॉग ऑफ 7 टू द बेस 10 आंसर इज 0 point something, 1 point something, 2 point something. 0 point something. क्योंकि log of 1 to the base 10 कितना होता है? 0. Log of 10 to the base 10 कितना होता है बोलो? 1. इसका मतलब 1 to 10 में जितने भी numbers तुम लोग यहाँ पे place करोगे 100% answer 0 point something ही आने वाला है। Yes sir. तो ये वही तो लिखा हुआ है 0 point something. अब ये बताओ log of 73 to the base 10 0 point something, 1 point something, 2 point something? 1 point something. ये भी तो 1 point something ही है ना? हाँ। Something आएगा अभी, वो लिखेंगे, लेकिन ये 1 point something है। ठीक है, ये बताओ log of 734 या फिर जो भी है to the base 10 0 point something, 1 point something, 2 point something? 2 point 100%, क्योंकि power 2 चाहिए आपको, तो यहाँ पे आने वाला है 100। पावर 3 पे यहाँ पे क्या नंबर आएगा बोलो? 1000। इसका मतलब 100 टू 1000 में जितने भी नंबर्स आएंगे दे ऑल आर 2 point something, यस और नो? यस सर। ये भी 2 point something है, क्लियर? ठीक है, ये बताओ लॉग बेस 10 7340 1 point something, 2 point something, 3 point something और 4 point something? 3 point something. ये भी 3 point something ही आने वाला है, yes or no? Yes. अब काफी लोग इसको, अब सुनो एक मिनट के लिए, काफी लोग इसको कॉमन सेंस से बता देते हैं कि यार 7 point something है 100% आंसर 0 point something, 73 है इसका मतलब 1 point something, 734 है मतलब 2 point something, ये 4 digits है मतलब 3 point something। या फिर एक इसका ट्रिक ये भी है कि पॉइंट के लेफ्ट में तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है और उसमें माइनस वन करना है, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 4 minus 1 3। Any doubt? No sir. ठीक है, अब ये fractional part कैसे calculate करते हैं उसके लिए हम लोगों को log table का help चाहिए, एक मिनट रुको। ये मैंने जो sheet send किया था कल उसी में है, सबसे last में। ओके, तुम लोग को ये विजिबल है ना क्लियरली? ठीक है, तो ये लॉगरिथम, यस सर, क्या बोल रहे हो? ये है लॉगरिथम टेबल, जूम करने के बाद दिखता है सर। हाँ, जूम कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है बता सकते हो। ये लॉगरिथम टेबल है, बेस है 10, ठीक है। हेलो सर। हेलो
हेलो हाँ, तो ये लॉगरिथम टेबल है, बेस है 10, क्लियर। अब इसको देखते कैसे, काफी सिंपल है। देखो ये नंबर है 7348, ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी यहाँ से ना। तो 7348 स्टार्टिंग में आपको देखने होते हैं टू डिजिट्स, 73, ये कितना लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, 10, 11, 12, 13, 14, 73 ये रहा, देखा तुम लोगों को? यस सर। 73 के बाद जो थर्ड डिजिट है ना, उसके लिए स्टार्टिंग वाले कॉलम्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा तुम लोगों को, यहाँ पे ये थर्ड डिजिट है बेसिकली, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक है बोलो? नाइन तक। और ये जो लिखा हुआ है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये फोर्थ डिजिट होता है। टू डिजिट्स यहाँ पे, थर्ड डिजिट के लिए ये 10 कॉलम्स हैं क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल 10 कॉलम्स हैं। और फोर्थ डिजिट के लिए ये कॉलम्स हैं। अभी देखना है मेरे को 7348, तो 73, ये रहा 73। इसके बाद में थर्ड डिजिट है 4, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, कितना है बोलो? 8, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 7, 4th digit is 8, 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
आपको फाइव इसमें ऐड करना होता है बस, क्लियर। तो ये हो गया 62 और 86। फिर से देखते हैं 73, स्टार्टिंग टू डिजिट्स यहाँ पे देखोगे ये 73 हो गया। ये 0 से 9 तक थर्ड डिजिट वाले कॉलम्स हैं, थर्ड डिजिट है 4, तो 73, 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ कितना लिखा हुआ है बोलो, 8657, करेक्ट। और फिर ये जो फोर्थ प्लेस है दैट इज 8, ये आपको यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एट्थ प्लेस पे कितना है 5, ये 5 आप यहाँ पे ऐड करोगे, सो दिस इज 8662। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लिख दो इस जगह पे 8662 8662 8662 8662, ये इसका है। एनी डाउट? नो। ठीक है, ये नोट करो और एग्जांपल्स देखते हैं अभी, एक बार ये नोट करो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट? देखो यार, ये लॉगरिथम कैलकुलेटर से भी देख सकते हो तुम लोग। सपोज करो ये क्वेश्चन है 7.348 टू द बेस 10, कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर है बोलो। 3.8661। हाँ, तो इसने एक्चुअली क्या राउंड ऑफ किया, यहाँ पे 6 है तो 1 को 2 लिखा इसने जस्ट, हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये हो गया 8662। एनी डाउट?
Now suppose करो question है नहीं 73.48. Now question is 1.8661. Yes or no? क्वेश्चन है ये, तो ये टू हो गया. इसमें तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है डेसिमल के, केवल लेफ्ट चेंज हो रहा है. ये एग्जांपल देखो, क्लियर? दिस इज 3.8661. तो केवल लेफ्ट में जो इंटीजर पार्ट है ना वो चेंज होता है, बस राइट साइड वाला पोर्शन चेंज नहीं होता. एनी डाउट? नो सर. फॉर एग्जांपल करते हैं, कोई भी नंबर बताओ, एनी नंबर. 9153. ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से दिस, ठीक है, ये भी लिखता है, एक ये भी लिखता है, एक ये भी लिखता है. Is equal to. ठीक है, टू पार्ट आने वाले हैं, फर्स्ट इंटीजर पार्ट, सेकंड फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट इन सबका सेम ही आएगा, फिक्स है, और वो आएगा लॉग टेबल से. इंटीजर पार्ट हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं. 4-1 3, 1-1 0. पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स हैं वो काउंट करना है. 2-1 1. पॉइंट के लेफ्ट में 3 नंबर्स, -1 2. पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स हो गए, 5. -1 करो कितना आएगा बोलो. पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इधर भी पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट. अभी डिजिट्स है आपके पास में 9153. लॉग टेबल स्टार्ट करता है. सबसे पहले क्या सर्च करोगे बोलो? 91. ये लॉग टेबल, ये 91, ये रहा. इसको चाहो तो और जूम भी कर सकते हैं, ठीक है. 91 के बाद में है 5. ये जीरो प्लेस होता है यार ना, ये जीरो प्लेस है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितना आ रहा है बोलो? 9614. ठीक है, तो ये हो गया अभी 9614. देन फोर्थ डिजिट कितना लिखा हुआ है बोलो? 3. अभी 3 आप सर्च करो यहाँ पे, 1, 2, 3 कितना आ गया? 1. ये इधर ऐड करो. So this is 9615. Again 9, 6, 1, 5. ये आंसर आ गया. क्लियर? कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं. दिस इज 9153. कैलकुलेट 3.9615. एनी डाउट? जूम और क्लियर. सपोज करो क्वेश्चन है दिस 9.153. Any doubt? Suppose करो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है 9.5, 9.1530. कैलकुलेट. दिस इज 4.9615. आई थिंक यार क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को. अच्छा सपोज करो क्वेश्चन ये होता, लॉग ऑफ 23 टू द बेस 10. ठीक है, तो पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स है बोलो? 2. -1 यानी कि 1 पॉइंट. अभी जस्ट आपको क्या देखना है बस इसमें, 23. क्लियर? 23 के साइड में थर्ड और फोर्थ प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो थर्ड प्लेस आप अज्यूम करो 0. तो 23 और 0 कितना आ रहा है बोलो? 3617. ये आंसर आ गया. फोर्थ प्लेस अज्यूम कर नहीं सकते एक्चुअली 0, क्योंकि 0 वाला कॉलम नहीं होता फोर्थ प्लेस के लिए. तो मैं चीज समझ में आ रही होगी, थर्ड प्लेस के लिए जो कॉलम्स है वो 0 से स्टार्ट है, और फोर्थ प्लेस के लिए कॉलम कहां से स्टार्ट है? 1. तो यहाँ पे टोटल 9 कॉलम्स है और यहाँ पे टोटल 10 कॉलम्स है. क्लियर? ओके, बस हो गया है, ये नोट कर लो, सिंपल है.
एनी डाउट? नो सर. ठीक है, एक चीज क्लियर रखना है ना, पॉइंट या फिर डेसिमल इसका जो पोजीशन है इसे फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज नहीं आता है, फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही रहता है सबका. आप डेसिमल का पोजीशन चेंज करोगे तो करैक्टरिस्टिक पार्ट चेंज होगा. क्लियर? सर हाँ बोलो. ये एक इरेशनल नंबर होता है ना बेटे? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 100% इफ क्वेश्चन इज लॉग ऑफ 23 टू द बेस 10 इज अ रेशनल और इरेशनल. 100% इरेशनल. ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं. क्लियर? यस सर. 100% इरेशनल आंसर है, ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं. मतलब इसमें पॉइंट के बाद में डिजिट्स का रिक्रिएशन स्टार्ट नहीं होगा, डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलते रहेंगे आपको. क्लियर? ओके. अब देखो यार, कुछ लोगों को डाउट ये भी आता है कि सपोज करो 5 डिजिट्स आ गए, लेट्स से दिस 15349 ऐसा कुछ, या फिर यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं. ठीक है, क्लियरली इसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? 2 प्लस या फिर पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट. और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप हेल्प लोगे लॉग टेबल का और वहां पे देखने वाले हो दिस. यस ऑर नो? Yes, हाँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि फिफ्थ डिजिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप इसको हटा सकते हो. तो सिंपली केवल क्या देखना है आपको, 5134. तो ये हो गया 5130123. कितना आ रहा है बोलो? 7701. एंड फोर्थ प्लेस इज 4 है ये ना. कितना है बोलो? 3. ये इसमें ऐड करो. सो दिस इज 7104. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा भी आता है कि स्टार्टिंग तो आप यहां तक देख ही लोगे 513 इज 7101. फिर वो लोग क्या करते हैं, फोर्थ भी देखते हैं, नाइन भी देखते हैं और दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं. लाइक फोर्थ प्लेस पे कितना आ रहा है देखो, 3. नाइन्थ प्लेस पे कितना आ रहा है? 8. एंड 3 और 8 का एवरेज यानी कि 5.5, यानी कि ऑलमोस्ट 5. तो ये हो गया अभी 7106. बाकी यार इतना कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये लिखोगे तो भी करेक्ट है. एनी डाउट? नो सर. जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है 513.49 ओके, कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 2.7105. हाँ, तो एक्चुअली इसने ये भी यूज नहीं किया, इसने ये यूज किया होगा यहाँ पे आगे और भी नंबर्स आ रहे होंगे, उसका राउंड ऑफ करके 4 को कितना लिखा है? 5. तो इतना कोई चेंज नहीं आता. आपसे कभी ये नहीं पूछते यार कि पॉइंट के बाद में फोर्थ प्लेस तक आंसर बताओ, ऐसा नहीं आता है. तो कंक्लूजन ये है कि आपको केवल कितने प्लेसेस देखने हैं? जस्ट 3. 4. बस. एनी डाउट? सर कितना भी बड़ा नंबर आ जाए 4 प्लेसेस ही देखने होते हैं ना? हाँ यार, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए 4 प्लेसेस ही देखने होते हैं, बिल्कुल. क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर आएगा तुम जो इसका इंटीजर पार्ट है वो तो विदिन सेकंड्स ही लिख दोगे ना. हाँ सर. हाँ बस. और यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर आएगा तो चेंज आएगा इस जगह पर, और यार इस जगह में चेंज कोई इतना मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है बस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, लॉग 4 लेस देन 1 नंबर्स. स्टार्ट करें. थोड़ा
थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, बाकी सिंपल है. लाइक लॉग ऑफ 0.2134, ये भी लेस देन वन नंबर है. ऑब्वियसली बात है बेस 10 यूज करोगे आप, क्योंकि लॉगरिथम टेबल बेस 10 पे ही होती है. 10 के अलावा क्वेश्चन में कोई और बेस है तो पहले आप बेस चेंज यूज करोगे वहां पे. लॉग ऑफ बी टू द बेस है लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए. एक क्वेश्चन सपोज करो ये है, एक क्वेश्चन सपोज करो ये है. एक सपोज करो ये क्वेश्चन, स्टार्ट करें. हाँ. अगेन एक होता है इसका इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट इन सारे नंबर्स का सेम ही आएगा और वो पॉइंट में आएगा और उसको आप लॉग टेबल के हेल्प से फाइंड करोगे. अब बात आती है इंटीजर पार्ट की. इंटीजर पार्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो और उसमें वन ऐड करो. तो यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में कितने जीरोस हैं? जीरो. वन ऐड करो कितना आ गया? वन. आप वन. लिखोगे माइनस वन. कितना लिखोगे यहाँ पे? माइनस वन. ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में जीरोस कितने हैं? वन प्लस वन टू, लेकिन लिखना होता है माइनस टू. डेसिमल के, अच्छा माइनस क्यों लिखा बताऊंगा अभी. डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? टू. ऐड करो वन लेकिन माइनस. डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? थ्री. ऐड करो वन लेकिन माइनस. काफी लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार सपोज करो इस तरीके से कुछ है तो डेसिमल के राइट साइड में टू जीरोस है, ऐसा नहीं है यार. जस्ट राइट साइड में कैलकुलेट करना है बस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट. इन सारे नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही है और ये नंबर है एक्चुअली 2134. यहाँ पे भी 2134, ये भी 2134, ये भी 2134, ये भी 2134. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. तो 2134. सेकंड यार, एक कॉल आ रहा है कंटिन्यूअस. तुम लोग देखो एक बार 2134 पे कितना आता है. यस सर. ओके, सो 2134, 2134. तो सबसे पहले जीरो, वन टू थ्री, कितना आ रहा है बोलो? 3284. एंड फोर्थ प्लेस इज फोर. सो फोर इज कहाँ पे है? फोर, ये रहा. कितना आ रहा है बोलो? एट. एट, तो इसमें एट ऐड करते हैं. नाउ दिस इज 32 एंड 19. एनी डाउट? नो सर. ठीक है. अब यार इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये पॉजिटिव है एक्चुअल में और ये नंबर नेगेटिव है, तो इसको आप ये मत लिखना यार. समझ रहे हो ना? यस सर. हाँ. आपको लिखना है तो ये फिर ऐसे आएगा. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. नो सर. और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज माइनस वन प्लस दिस. तो ये आ गया 10 माइनस टू एट, 9 माइनस 9 जीरो, 9 माइनस टू 7 एंड 9 माइनस 3 6 नेगेटिव में. यस और नो? दिस इज माइनस 1.6708. This is minus 2.6708. This is minus 3.6708. Any doubt? No sir. No sir. Calculate कर लेते हैं. 0.2134.
माइनस पॉइंट 6708 करेक्ट है। सर सपोज करो, हाँ बोलो एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए, क्या डाउट है बोलो। वो अभी थोड़ा हैंग हो गया था। ठीक है, ये समझ आया तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे लिखते हैं इसका? यस यस। ठीक है, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट आप लॉग टेबल को यूज करोगे। दिस इज 2134, स्टार्टिंग में टू डिजिट्स, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो ये आ गया 3292। क्लियर? यस सर। अभी पॉइंट इज कि 3292 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये पॉइंट में है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। yes. यहाँ पे वन नेगेटिव एंड दिस पॉइंट वाला पोर्शन पॉजिटिव, सो दिस विल बी वन बार पॉइंट 3292 एंड दिस विल बी दिस। यार ये तुम्हें समझ में आ गया ना, ये माइनस 0.6708 कैसे आ रहा है? माइनस 1.0000 और ये है 0.3292, ये प्लस है, तो ये तुम प्लस माइनस करोगे तो यही आने वाला है। एनी डाउट? नो। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसका आंसर तुम लोग ही बताओ। लॉग ऑफ 0.02496 टू द बेस 10, ये क्वेश्चन है और ये तुम्हारे सामने लॉग टेबल है। 24 चाहिए आपको, तो 24 ये रहा, बताओ कितना वैल्यू आएगा। करेक्टरिस्टिक पार्ट, हाँ बोलो। 3882। पहले इसका इंटीजर पार्ट बताओ, इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है? -2 माइनस प्लस पॉइंट 2496, सो 2496 24 देन 9, ये नाइन्थ पोर्शन है यानी कि 3962। क्लियर? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है ना इसलिए, और इसमें फिर 6 यानी 11, ओके 11 ऐड करो, कितना आ गया? 973। क्लियर? यस सर। दिस विल बी दिस एंड फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 10 - 3 7 देन 2 देन 0 देन 6 और -1 पॉइंट, ये आंसर है। ये क्लियर हो रहा है ना तुम लोगों को? -1.6027 कैसे आ रहा है? ठीक है, तो 0.02496 -1.6027, क्लियर? यस सर। हो गया सर। अच्छा कंसेप्ट क्या है इसका कि माइनस इस तरीके से करते हैं? देखो सिंपल कंसेप्ट है, like log of 10 to the log of 1 to the base 10, कितना वैल्यू आएगा बोलो? 0 point something। नहीं बेटा एग्जैक्ट 0 है ना, तो ये कितना आएगा बोलो? -1। ठीक है, ये कितना आएगा बोलो? -2। ठीक है, अब ये बताओ सपोज करो ये नंबर है तो डेफिनेटली दिस नंबर ये इस इंटरवल में आ रहा है, यस और नो? बेटा 0.1 से 1 के बीच में ही आएगा ना 0.5, तो 0.1 0.2 0.3 0.5 6 7 8 9 0.9 और 0.9 के बाद फिर 1.0,
यानी कि डेफिनेटली इस नंबर का इंटीजर पार्ट कितना आना चाहिए? माइनस वन. माइनस वन. और फ्रैक्शनल पार्ट तो लॉग टेबल से पता करते हैं हम लोग, वरना इसको इस तरीके से भी देख सकते हो. लाइक सपोज करो ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 10. 0.5 इज 5 अपॉन 10, यस और नो? एंड 5 अपॉन 10 इज दिस. ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? Further, this can be written as log of m plus log of n. Yes or no? This is minus one. Integer part कितना आ गया इसका? Minus one. और यही तो हम लोग log table से find करते हैं. भाई 0.5 में 5 ही check करोगे ना? Clear? यार कोई doubt है तो discuss कर सकते हैं हम लोग. अब इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है एक, वो सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं. ये F4 सेक्शन है इसके अंदर. इसमें सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड आउट नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 to the power 15. दिस इज द क्वेश्चन. अच्छा ये क्लियर है कि 6 to the power 15 काफी बड़ा सारा नंबर आने वाला है. लाइक 6 स्क्वायर होता है 36, 6 क्यूब होता है 216. समझ रहे हो ना? तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि 6 to the power 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे. आपको गिवन है इस क्वेश्चन में log of 2 to the base 10 एंड log of 3 to the base 10. log of 2 to the base 10 कितना गिवन है? 0.3010 एंड log of 3 to the base 10 दिस इज 0.4771. सॉल्व कैसे करते हैं देखो एक बार. लेट से n इज इक्वल टू 6 to the power 15. लॉगरिथम इंफॉर्मेशन गिवन है तो डेफिनेटली आप लॉग यूज करोगे. तो ये हो गया 15 टाइम्स लॉग ऑफ 6. एनी डाउट? 6 इज 2 × 3, सो दिस इज 15 टाइम्स लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3. एनी डाउट? log of 2 कितना गिवन है बोलो? 0.3010. log of 3 कितना गिवन है? 4771. टोटल समेशन कितना आ गया ये? 0.7781. ये मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आता है ऑलमोस्ट. So this is 11.6715. Now tell me just one thing, ki log of n, are I finally this? Iska integer part kitna hai? Bolo. 11. 100% point ke left mein kitne numbers rahe honge? 11. 12 नंबर्स होने चाहिए ना, तभी तो आपने माइनस वन करके 11 लिखा होगा. नहीं हुआ क्लियर? भाई अभी कंसेप्ट बताया था ना ग्रेटर देन वन नंबर्स को कैसे चेक करते हो. पॉइंट के लेफ्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उसमें माइनस वन करते हैं. लाइक पॉइंट के लेफ्ट में है 2 डिजिट्स माइनस वन यानी कि 1. पॉइंट के लेफ्ट में है 3 डिजिट्स माइनस वन यानी कि 2. पॉइंट के लेफ्ट में है 5 डिजिट्स माइनस वन यानी कि 4. सिमिलरली यहाँ पे लॉग ऑफ एन आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीजर पार्ट है 11, तो 100% पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स होने चाहिए बोलो? 12. अब एक बात मेरे को ये बताओ कि 6 to the power 15 ये नंबर इंटीजर है या फिर ये समथिंग पॉइंट समथिंग है? कितने डिजिट्स हैं?
12 उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, काफी लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 6 टू द पावर 1 6 6 स्क्वायर 36 6 क्यूब 216 द पावर 1 तो बड़े से कुछ टू डिजिट्स पावर 3 है तो 3 डिजिट्स यानी कि पावर 15 है तो कितने डिजिट्स होने चाहिए 15 लेकिन ये रॉन्ग आंसर ऐसे नहीं होता है ना आप ऐसे सीक्वेंस फिट नहीं कर सकते यहां पे एनी डाउट No, sir. यार बोल सकते हो कोई डाउट है तो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो अभी आप फाइंड आउट लॉगरिथम ऑफ दीज नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 क्लियर जैसे ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 430.1 बेस 10 सेकंड क्वेश्चन है लॉग ऑफ 204.01 टू द बेस 10 थर्ड क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.0024 टू द बेस 10 ठीक है सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इंटीजर पार्ट 432 2 इंटीजर पार्ट 2 2 नंबर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इंटीजर पार्ट 100% अभी लॉग टेबल में देखना है आपको 4301 यहां पे देखोगे 2040 और यहां पे केवल क्या देखना है 24 का मतलब 240 देखना है बेसिकली एनी डाउट यार बोलो कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं ठीक है लास्ट पॉइंट है इसके अंदर एंटी लॉग टेबल यार समझने में इंटरेस्टेड हो या जाना चाहते हो बताओ क्या करना है एंड करना है तो बोलो कर सकते हैं सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी लॉग टेबल जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट एंटी लॉग एंटी लॉग का मतलब क्या होता है लाइक नंबर ही बताता है ये जैसे 2 स्क्वायर कितना होता है बोलो या फिर 2 क्यूब कितना होता है बोलो 8 हाँ तो इसको लिखते हैं हम लोग एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 तो बेसिकली एंटी लॉग जस्ट पावर ही है यानी कि 2 टू द पावर 3 कितना आंसर आएगा 8 लॉगरिथम इंडेक्स बताता है आपको एंटी लॉग नंबर क्लियर यस सर लाइक 4 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 कितना होता है बोलो 1 अपॉन लॉगरिथम के फॉर्म में लिखोगे आप लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 टू द बेस 4 एंड पावर इज दिस एनी डाउट नो सर एंटी लॉग की फॉर्म में एंटी लॉग कुछ भी नहीं है एंटी लॉग बस पावर ही होती है मतलब ये एज इट इज लिखना होता है आपको तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 टू द बेस 4 कितना नंबर मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 एनी डाउट अभी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ क्या कैलकुलेट करना है बोलो सर हाँ बताओ 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 यहाँ पर पावर नेगेटिव नहीं नहीं यहाँ पे कुछ भी चलता है एंटी लॉग की कोई कंडीशंस नहीं है एंटी लॉग में ऐसा नहीं है कि पावर नंबर बेस नेगेटिव नहीं हो सकते ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं एंटी लॉग में अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एंटी लॉग ऑफ 2.3 टू द बेस 10 तो इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है अंडरस्टूड यस सर इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको 10 टू द पावर 2.3 कैलकुलेट करना है जैसे क्वेश्चन ये होता है एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5
क्या आंसर आएगा बोलो? 25. हाँ, तो अभी आपको 10 टू द पावर 2.3 कैलकुलेट करना है. दिस ये मतलब है. अब स्क्वायर हम लोग थोड़ा सा लॉ के कंसेप्ट से यूज करते हैं. तुमको सोचो कि एक नंबर, मतलब ये कुछ ऐसे ही हो गया ना कि सपोज यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 2.3. ठीक है. अच्छा, चीज समझने का ट्राई करो अभी. इंटीजर पार्ट है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है इसका? 3. अभी लॉग कॉन्सेप्ट यूज करो. यहाँ पे 100% जो फाइनल आउटपुट आने वाला है उसमें पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स आने चाहिए? 3 नंबर. तभी तो माइनस 1 करके 2 आ रहा होगा. यस सर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे 3 प्लेसेस रखने वाला. सेकंड क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ -1 और इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है दिस टू द बेस 10. अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका इंटीजर पार्ट नेगेटिव है, यानी कि नंबर विल बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. लेस देन 1. और पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोस आ रहे होंगे? नो जीरोस. एग्जैक्टली. यानी यहाँ पे नंबर डायरेक्ट स्टार्ट होगा. क्लियर? यस सर. थर्ड क्वेश्चन, एंटी लॉग ऑफ -1.8123. तो यार मैंने आपको बताया था कि -1.8123 ये हम लोग यूज नहीं करते हैं. पहले आप इसका इंटीजर पार्ट सेपरेट करो. तो -1.8123 का इंटीजर पार्ट कितना आएगा? -2. 100%. और फ्रैक्शनल पार्ट 1 में से ये माइनस कर दो. 7, 9 माइनस 2 अगेन 7, 9 माइनस 1 8 और 1. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, इंटीजर पार्ट नेगेटिव, नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. लेस देन 1. पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोस आने वाले हैं बोलो? 1. फिर यहाँ पे नंबर स्टार्ट होगा. एनी डाउट? नो सर. अब यार कुछ भी नहीं है. देखो ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, इससे तो आप ये डिसाइड करते हो कि डेसिमल का पोजीशन क्या है. बाकी ये पोर्शन एंटीलॉग से देखते हैं हम लोग. इसका मतलब एंटीलॉग के अंदर सारे नंबर्स पॉइंट समथिंग में रह रहे हैं. भाई लॉग टेबल भी तो पॉइंट समथिंग देखने के लिए यूज करते हैं ना हम लोग. यस सर. ठीक है, तो ये लॉग के बाद में एंटीलॉग टेबल है. ये रहा. अब एंटीलॉग टेबल तुम्हें समझ में आ रहा होगा. सेम प्रोसीजर है एंटीलॉग टेबल को देखने का भी. स्टार्टिंग में 2, फिर 3rd, फिर 4th. लेकिन इसमें सारे नंबर्स पॉइंट्स में आते हैं. दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? कितना है यहाँ पे? 0.3. 0.3 कैलकुलेट करते हैं. 0.3 ये रहा. 0.30. लेकिन इसके बाद भी आप एक जीरो चेक कर लो. कितना लिखा हुआ है बोलो? 1995. हाँ, लेकिन आपको ये इस तरीके से प्लेस करना है यहाँ पे कि पॉइंट के लेफ्ट में कितने नंबर्स आने चाहिए. 3. एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस 0.3108. 31. ये रहा 0. ये रहा यहाँ पे. दिख रहा है? यस सर. और फिर 8th प्लेस. So 8th place is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितना लिखा हुआ है देखो वहां पे? 4. इसमें 4 ऐड करो तो ये हो गया 2, 0, 4, 6. ये आप एज इट इज यहाँ पे प्लेस करोगे. एनी डाउट? नो सर. अब ये देख लेते हैं. दिस इज 0.1877 18. दिस इज 18 7, 7. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितना आ रहा है बोलो? 1538. 1538.
एंड 1538 में नेक्स्ट इज सेवन, सेवंथ प्लेस टू है यहां पे, क्लियर? ओके, इसमें टू ऐड कर दो, कितना आएगा बोलो? 1540 ये आंसर आ गया इसका. एनी डाउट? नो सर. ठीक है, तो लॉगरिथम फिनिश हो गया है, प्रैक्टिस वगैरह तुम लोग पूरा कर लेना. इसमें सेक्शन सी सॉल्व करने के लिए बोला था आपको, जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर एक डिस्कशन का सेशन हम लोग सेपरेट रखते हैं. ठीक है? हाँ. ओके, चलो फिर इतना ही करते हैं आज. ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे. चलो ओके बाय. वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच. अच्छे से रहो. यस सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक यू बेटे, थैंक यू. आपका आशीर्वाद.